हेलो बच्चों आज मैं आपको क्लास नाइन्थ जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर सेवेंटी थ्री समझाऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास थर्टीड ट्वेंटी आज की वर्कशीट में हम ट्रायंगल वाले चैप्टर की रिवीजन करने वाले और आज की वर्कशीट बहुत ही आसान वर्कशीट है ठीक है मतलब मेन कंसेप्ट बेस्ड है ये वर्कशीट तो ईजी है ये ठीक है और रिविजन कौन कौन सी वर्कशीट की हो जाएगी आपकी इसके साथ साथ ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी की ठीक है चलिए पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन टू फोर तो आपके पास फिलिंदा ब्लैंक्स है ठीक है फाइव टू एट फाइव ये रहा आगे देखते हैं सिक्स सेवन एट ये आपके पास एमसीक्यू है अब रह गए नाइन और टेन तो ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ठीक है ना चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन अगेमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज डैश ऑफ अ ट्राइंगल सबसे पहले मैं आंसर लिख देती हूँ ठीक है उसके बाद आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ मीडियम देखो फ्लिंदा ब्लैंक से आप याद मत करना ठीक है है ये इसको समझ के करना अगर आप याद करोगे तो जरूरी थोड़ी है पेपर में यही आए दूसरे भी तो आ सकते हैं तो आपको कंसेप्ट पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर मीडियम क्यों आया देखो आपसे कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग दर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड पहली बात तो मैं यहाँ ट्रेंगल बना लेती हूँ ट्रेंगल की तो बात कर रही है एक वर्टेक्स है ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है मैं मान लेती हूँ ये मिड पॉइंट है अपोजिट साइड ए वट एक्स की अपोजिट साइड बी सी होगी ना उसका मिड पॉइंट मैंने ये इसको ज्वाइन कर दिया तो वो जो लाइन सेगमेंट है एडी ये क्या होगी तो जब भी मिड पॉइंट होती है ना तो वो होती है मीडियम ठीक है चलिए सेकेंड देखते हैं में क्या आपके पास अ ट्राइंगल इन विच टू साइड इक्वल लेंथ उस ट्राइंगल का नाम बताओ जिसकी दो साइड इक्वल होती है वो तो आपको पता होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है वो है ना इसमें तो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है आइसोसेलेस ट्राइंगल ठीक है ना क्वेश्चन नंबर थ्री है डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल द साइड्स ऑफ अ राइट राइट एंगल एंगल कह रहा है बताओ right में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है तो राइट एंगल ट्राइंगल में तीन ही साइड होंगी ना वैसे तो ट्राइंगल में ही तीन होती है सबसे बड़ी कौन सी होती है तो सबसे बड़ी आपको देखने में भी यही लग रही है और होती भी यही है हमेशा तो इसको हम बोलते क्या नाइनटी के सामने वाले को हाईपोर्ट न्यूज तो इसका आंसर आ जाएगा हाईपोट न्यूज ठीक है नेक्स्ट है ईच एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ

एंगल बी देन विच ऑफ दू तो ये देखने से पता चल रहा है पायतोकॉर थम लगी हुई है लेकिन इनमें से कौन सी सही है वो हमें बतानी है सबसे पहली बात तो हम राइट एंगल ट्रा बना लेते हैं अब जब बी पे कह रहा है नाइन्टी डिग्री है तो फिर हम बी पे नाइन्टी डिग्री बनाने वाले ये रहा मेरा बी और 90 डिग्री यहाँ मैंने ए लिख दिया यहाँ सी लिख दिया आप इसे चेंज कर सकते हो ए सी को पर बी को यही रहने देना ठीक है अब अगर मैं इसमें है अब ढूंढ लो ये कहा लिखी हुई है तो, ए -सी वाला तो एक ही दिख रहा है मुझे बी वाला ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा? आ जाएगा बी आ जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते यहां आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी मैक्सिमम डज अ ट्रायंगल हैव एक ट्राइंगल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितनी एल्टीट्यूड हो सकती है तो अगर मैं यहां पर ट्राइंगल बना दू, एल्टीट्यूड मतलब पता है आपको क्या होता है एल्टीट्यूड ये है आप सोच रहे होंगे ये तो अभी तक तक, अभी तक तक थी क्वेश्चन नंबर एल्टीट्यूड कैसे बन रही है जो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट कर करके जाए इसका मतलब बीडी और डीसी इक्वल होगा मीडियम के केस में बट एल्टीट्यूड ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे ही कट करे ठीक है ना वो मिड पॉइंट पे कट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती ठीक है तो एक एल्टीट्यूडी इस वर्टेक्स से मैं इस पे बना सकती हूँ तो एक एल्टीट्यूडी और इस वाली वर्टेक्स से मैं इस पे बना सकती हूँ तो एक एल्टीट्यूडी तो कितनी हो गई थ्री तो इसका आंसर कितना आ गया थ्री ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं चलो क्वेश्चन है इन अ राइट एंगल टू एंगल ए बी सी इफ एंगल बी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री बी सी इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर देन द द लेंथ ऑफ साइड ए बी इज एक साइड की लेंथ मुझको निकालनी है दो की दे रखी है राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे तो पहले हम फिगर बना लेते हैं जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें ना तो आप ये सोच लो पायता लगनी हो ठीक है ये मेरा बी है 90 डिग्री मैंने मैंने इसे इसे मान मान लिया लिया और सी लिया। बी -सी मुझे थ्री सेंटीमीटर दे रखा है एसी मुझे फाइव सेंटीमीटर दे रखा है अभी सेम फिगर हमने पीछे भी बनाई है जिसमें हमने पायताकोरेस थोरम लिखी थी एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर है ना

तो ए भी कितना आ गया आपके पास फोर सेंटीमीटर तो इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया ए हो गया ठीक है चलिए एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एट इसमें आपसे कह रहे हैं इफ इन अ ट्राइंगल वी ज्वाइन अ वर्टेक्स टू द पॉइंट ऑन द्वारिट साइड विच डिवाइड दैट साइड इन द रेशो वन रेशो वन देन वट इज द स्पेशल नेम ऑफ दैट लाइन सेगमेंट घुमा फिर आके सेम वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे जो फर्स्ट में था बस यहाँ रेशो दे दी गई है देखो आपसे कह रहा है अगर एक ट्राइंगल में

ठीक है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा मीडियम चलिए आगे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन हमको अब सॉल्व करने हैं वो वाले देख लेते हैं आसान है ये भी ऐसा नहीं है ये मुश्किल है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ये वर्कशीट बहुत आसान है आज की यहाँ पर है फाइंड एंगल एक्स आपको चार फिगर दे रखी हर फिगर में आपको एंगल एक्स निकालना है ठीक है देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखो यहाँ पर ये तो आपको दे रखा है नाइन्टी डिग्री ये एक्स दे रखा है लेकिन हाँ एक चीज हमको दे रखी है ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है तो मैं फिगर को पहले नाम दे देती हूँ ए बी और सी ठीक है मुझको दे रखा है ए बीजिकल टू बी सी है तो इसका मतलब एंगल ए एंगल सी होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल इक्वल साइड्स आर ठीक है ना ये प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा दी तो इसका मतलब एंगल ए एक्स है तो फिर मेरा सी भी एक्स होगा होगा नहीं होगा बस अब तो हम क्या कर सकते हैं एक्स की वैल्यू निकाल ही सकते हैं कैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज सॉरी मैंने डी भी लिख दिया है जबकि ये तो ट्राइंगल है तो इसमें तो तीन ही एंगल होंगे है ना इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल ए बी एक्स है एंगल बी 90 डिग्री है एंगल सी बी एक्स है और ये 180 डिग्री ठीक है ना तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया और इस नाइनटी को मैं उधर ले गई तो ये माइनस का हो गया 2x इज इक्वल्स टू 90 आ गया यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली 90 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 45 और यही मेरा एंगल आंसर है सिर्फ x की वैल्यू आपको निकालनी है ठीक है चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं रीजन लिख दीजिएगा यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल मैं यहाँ ब्रैकेट बना के छोड़ और यहाँ भी आपको लिखना है ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल ठीक है सेकंड वाले में देखिए फिर वही चीज सेम पहले तो नाम दे दो जब भी आपको ऐसे कुछ दिखे ना ट्राइंगल या कॉर्डिलेटर वगैरह जिसमें नाम ना हो हमेशा नाम दे दिया करो ये बहुत आसान है देखो अभी मैंने आपको यहाँ पर एक चीज तो मुझे गिवन ही है A, A, और हमको पता है जब ये दोनों साइड इक्वल है तो फिर एंगल बी इजिकल टू एंगल सी होगा एंगल अपोजिट टू तो इक्वल आर इक्वल एक में मैं लिख देती हूँ चलो कहीं आपको कंफ्यूजन हो एंगल अपोजिट टू आर इक्वल ठीक है अब फर्स्ट वाले में आप लिख लेना ठीक है ना तो C 40 है तो इसका मतलब फिर B भी मेरा 40 होगा तो B तो मेरा X है लो यहां से तो डायरेक्ट आगे X की वैल्यू आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी ठीक है चलिए थर्ड वाला देखते हैं तब में यही प्रॉपर्टी लग है दोनों फिर वही थर्ड वाले में पहले नाम देते ए बी और सी अब देखो आपको दे रखा है कि A, B, जो है है। वो B, के बराबर है। इसका मतलब एंगल A is to angle C होगा? होगा नहीं होगा। तो तो फिर मेरा एंगल A तो यहां से निकल गया 45 रीजन लिख देना एंगल वाला। ठीक है? नहीं 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 यहाँ पर आप लिखना अपोजिट ऑफ इक्वल इक्वल वो वाला ठीक है बस अब कुछ नहीं करना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है एंगल ए मुझको पता है एंगल बी मुझको पता है एक्स एंगल सी मुझको पता है 45 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अब ये हो गया 90 x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यहाँ से मेरी एक्स की वैल्यू कितनी निकल गई 180 90 तो एक्स आ गया मेरा 90 डिग्री ठीक है यहाँ लिखना है वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वाला चलिए लास्ट फोर्थ वन नाम दे दें सबसे पहले ए बी सी ठीक है फिर वही ए बी इज इकल टू ए सी दे रखा है तो इसका मतलब एंगल बी इज इकल टू एंगल सी होगा अपोजिट सा, तो एंगल साइड सी आ गया डिग्री एंगल ए मुझे हंड्रेड दे रखा है एंगल बी मेरे पास एक्स है सी भी मेरा एक्स सी टू वन एटी तो टू एक्स इज इक्वल टू वन एटी माइनस का हंड्रेड क्योंकि हंड्रेड यहाँ पर प्लस का है मैंने माइनस का कर दिया ठीक है तो ये आ गया 80 यहां से मेरा x निकल के कितना आ गया 80 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 40 ठीक है तो मेरी x की वैल्यू आ गई चलिए अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन आपके पास कि ट्रायंगल pqr इज अ राइट एंगल एट q इफ pq इज इक्वल टू 35 एंड pr इज इक्वल टू 37 देन फाइंड द लेंथ ऑफ qr तो ऐसा क्वेश्चन अभी तो हमने पीछे किया है किया ना पीछे चलिए दोबारा से यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं फिर तो मैंने यहां दे दिया P यहाँ Q और यहाँ दे दिया R ठीक है राइट एंगल एट Q था तो Q को तो राइट एंगल पे ही रखना पड़ेगा पी आर आप चेंज कर सकते हो क्या क्या दे रखा है पी क्यू दे रखा है थर्टी फाइव सेंटीमीटर पी आर दे रखा है थर्टी सेवन सेंटीमीटर बेस मुझे निकालना है तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पी आर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर यहां आप लिखना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ठीक है मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ठीक है आप पूरा लिखना इसको पी आर का मतलब थर्टी सेवन का स्क्वायर पी क्यू का मतलब थर्टी फाइव का स्क्वायर और क्यू आर तो मुझको खैर निकालना ही है तो उसका स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं थर्टी सेवन का स्क्वायर हो गया वन थ्री सिक्स नाइन थर्टी फाइव का स्क्वायर हो गया वन टू टू फाइव प्लस क्यू आर के स्क्वायर को हम ऐसे ही छोड़ते हैं अब क्यू आर का स्क्वायर मेरा यहाँ पर आ गया है

आपकी वर्कशीट में नहीं है वर्कशीट में टेन ही क्वेश्चन थे क्वेश्चन आपको दूंगी ताकि पता चले आपको कि कितनी वर्कशीट आपको समझ में आई तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन वो लिख देती हूँ कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा ठीक है और अपना नाम भी लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि किन किन बच्चों ने इसको किया है फाइंड करना है आपको एक्स जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर नाइन में किया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है अब मैंने ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल रखी हुई है ठीक है ना ये 50 डिग्री है और ये एक्स है ठीक है अब आप इसको फाइंड कीजिएगा और फिर मुझको बताइएगा कि कितना आंसर आया एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है ठीक है तो वर्कशीट यहां पर कंप्लीट होती है सेवनटी थ्री अब वर्कशीट नंबर सेवनटी फोर जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू